बावंदर योजना के विरोध में किसान कांग्रेस के द्वारा किसान नेता कमल सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में विशाल विरोध रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई और जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रैली का समापन तहसील कार्यालय के मेन गेट पर किया गया। वहीं किसान नेता कमल सिंह रघुवंशी ने सभी को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह चौहान को किसान विरोधी बताते हुए बावंतर योजना बंद किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि किसान कांग्रेस के द्वारा बावंतर योजना के विरोध में 5 दिवसीय आंदोलन किए जाने की योजना है, जिसके तहत पहले दिन तहसील कार्यालय का सांकेतिक घेराव किया गया। वहीं कल मंगलवार के दिन थाने का घेराव किए जाने की योजना है। इस अवसर पर किसान नेता कमल सिंह रघुवंशी, राकेश मामा, सुदेश शर्मा, रोशन कावड़े, उत्तम तवर सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। भाई साहब, हमने प्रशासन को 15 दिन से पुतला जला रहे हैं, 15 दिन से गांव-गांव हम जा रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि हमारी भावांतर योजना हटा दीजिए, हमारा 4.25 करोड़ रुपया किसानों का चना का दे दीजिए, हमारे 5% मूंग के पैसे रह गए, 5% पिछले साल के उड़द के रह गए, 5% मक्के के रह गए। हम किसान बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमने गांव-गांव पुतला जलाने के बाद ये 5 दिवसीय आंदोलन आज 9 तारीख से हमने रखा है। हमारा ये आंदोलन में किसान आए और हमारा आज का प्रथम दिन का कार्यक्रम रैली थी वो सम्पन्न हुआ। आगे क्या कार्यक्रम है? कल हमारा तहसील कार्यालय में हजारों किसान गिरफ्तारी देंगे, परसों हमारा बाजार बंद है, हमारा चौथे दिन यहाँ पे चक्का जाम है और 5वें दिन हमारा रेल रोको आंदोलन है। हमारी सरकार से मांगे कि इन 4 दिनों के अंदर हमारी भावांतर हटा दें, हमारे किसानों का 4.25 करोड़ रुपए दे दें, जो 5% मक्का उड़द और मूंग की राशि रुकी है वो दे दें। हमें शौक नहीं आ रहा कि हम जबरदस्ती जनता को परेशान करें या शहर को परेशान करें। जय हिंद, जय भारत। हम कांग्रेस जो है सिवनी मालवा के उसके अध्यक्ष हैं कमल रघुवंशी, ने ज्ञापन दिया था और उन्होंने अपना 4-5 बिंदुओं का प्रोग्राम है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, मूंग सरकारी MSP में खरीदी जाए, चने की भुगतान की राशि और भी कई समस्याएं हैं उनकी, उसके लिए ज्ञापन दिया था और कहा था कि हम तहसील का घेराव करेंगे आज के दिन। आज वो 15-20 किसान आए थे तहसील के गेट के सामने, नारेबाजी की चले गए। आज कोई ज्ञापन वगैरह? आज कोई ज्ञापन अपन नहीं किया। LBF अकादमी शिवपुर में जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, तो वहीं शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ। आवश्यकता है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के टीचरों की, तुरंत संपर्क करें